नमस्कार, मी धनश्री कर्मरकर सादर करते प्रेमचंदांची कथा खुदी। मुन्नी जिस वक्त दिलदार नगर में आई उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा न थी। वो बिल्कुल अकेली थी। माँ बाप दोनों न मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए थे। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधों पर लेकर खेतों पे सैर कराया करते थे। पर वो इन बातों का जिक्र कुछ इस तरह करती थी कि जैसे उसने सपना देखा हो। सपना था या सच्ची घटना इसका उसे ज्ञान न था। जब कोई पूछता तेरे माँ बाप कहाँ गए तो बेचारी जवाब देने के बजाय रोने लगती और यों ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती ऊपर, कभी आसमान की तरफ देखकर कहती वहां। इस ऊपर और वहां से उसका क्या मतलब था ये किसी को मालूम न था। शायद मुन्नी को भी ये खुद मालूम न था। बस एक दिन लोगों ने उसे एक पेड़ के नीचे खेलते देखा और इससे ज्यादा उसके बाबत किसी को कुछ पता न था। लड़की की सूरत बहुत प्यारी थी, जो उसे देखता मोह जाता। वो खाने पीने की कुछ फिक्र न रहती। जो कोई बुलाकर कुछ दे देता वो खा लेती और फिर खेलने लगती। शक्ल सूरत से किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। गरीब से गरीब घर में भी उसे खाने को दो कौर और सोने को टाट के टुकड़े की कमी न थी। वो सबकी थी, उसका कोई न था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। कोई कहता जरा जाकर तालाब से कपड़े तो धोला। मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन रास्ते में कोई बुलाकर कहता बेटी कुएं से 2 घड़े पानी तो खींचना। वो कपड़े वही रखकर घड़े लेकर कुएं की तरफ चल देती। जरा खेत से जाकर थोड़ा साग तो ले आ, और मुन्नी वही घड़े वही रखकर साग लेने चली जाती। पानी के इंतजार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती। कुएं पर जाकर देखती तो क्या, घड़े वही रखे हुए हैं। वो मुन्नी को गालियां देती हुई कहती आज से इस कलमुई को कुछ खाने को न दूंगी। कपड़े के इंतजार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती। तालाब की तरफ जाती तो कपड़े वही पड़े मिलते। आज इसको कुछ खाने को न दूंगी, वो भी गालियां देकर कहती। इस तरह मुन्नी को कभी कभी कुछ खाने को न मिलता। तब उसे बचपन याद आता है, जब वो कुछ काम न करती थी और लोग उसे बुलाकर खाना खिला देते थे। वो सोचती किसका काम करूं किसका न करूं, जिसे जवाब दूं वो कहीं नाराज ना हो जाए। पर अपना कौन है, मैं तो सबकी हूं। उस गरीब को ये न मालूम था कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। वो दिन कितने अच्छे थे जब उसे खाने पीने की और किसी की खुशी या नाखुशी की परवाह न थी। दुर्भाग्य में भी बचपन का वो समय चैन का था। कुछ दिन और बीते, मुन्नी जवान हो गई। अब तक वो औरतों की थी, अब मर्दों की हो गई। वो सारे गांव की प्रेमिका थी, पर उसका प्रेमी कोई न था। सब उससे कहते थे मैं तुम पर मरता हूं, तुम्हारे वियोग में तारे गिनता हूं, तुम मेरे दिलो जान की मुराद हो। पर उसका सच्चा प्रेमी कौन है इसकी उसे खबर न होती थी। कोई उससे ये न कहता कि तू मेरे दुख दर्द की शरीक हो जा। सब उससे अपने दिल का घर आबाद कराना चाहते थे। सब उसकी निगाह पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट पर कुर्बान होना चाहते थे। पर कोई उसकी बाह पकड़ने वाला उसकी लाज रखने वाला न था। वो सबकी थी, उसकी मोहब्बत के दरवाजे सब पर खुले हुए थे, पर कोई उस पर अपना ताला न डालना चाहता था। जिसे मालूम होता कि ये उसका घर है और किसी का नहीं। वो भोली भाली लड़की जो एक दिन न जाने कहां से भटक कर यहां आ गई थी अब गांव की रानी थी। जब वो अपने उन्नत वक्षों को उभार कर रूप गर्व से गर्दन उठाए नजाकत से लचकती हुई चलती तो मनचले नौजवान के दिल थाम कर रह जाते, उसके पैरों तले आंखें बिछाते। कौन था जो उसके इशारों पर अपनी जान न निसार कर देता। वो अनाथ लड़की जैसे कभी गुड़िया खेलने को न मिली अब दिलों से खेलती थी। किसी को मारती थी, किसी को जलाती थी, किसी को ठुकराती थी, किसी को थपकियां देती थी, किसी से रूठती थी, किसी को मनाती थी। इस खेल में उसे कत्ल और खून का सब मजा मिलता था। अब पासा पलट गया था। पहले वो सबकी थी, कोई उसका न था। अब सब उसके थे, वो किसी की न थी। उसे जिस चीज की तलाश थी वो कहीं न मिलती थी। किसी में वो हिम्मत न थी जो उससे कहता आज से तू मेरी है। उस पर दिल न्योछावर करने वाले बहुतेरे थे,
सच्चा साथी एक भी न था। असल में उन सरफिरों को बहुत नीची निगाह से देखती थी वो, कोई उसकी मोहब्बत के काबिल न था। ऐसे पस्त हिम्मतों के वो खिलौने से ज्यादा महत्व देना नहीं चाहती थी, जिनका मारना और जलाना एक मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं था। जिस वक्त कोई नौजवान मिठाइयों के थाल और फूलों के हार लिए उसके सामने खड़ा हो जाता तो उसका जी चाहता मुंह नोच लू। उसे वो चीजें कलकुट हलाहल जैसी लगती, उनकी जगह वो रूखी रोटियां चाहती थी, सच्चे प्रेम में डूबी हुई। गहनों और अशर्फियों के ढेर उसे बिच्छू के डंक जैसे लगते, उनके बदले वो सच्ची दिल के भीतर से निकली हुई बातें कर चाहती थी, जिनमें प्रेम की गंध और सच्चाई का गीत हो। उसे रहने को महल मिलते थे, पहनने को रेशम, खाने को एक से एक व्यंजन, पर उसे इन चीजों की आकांक्षा न थी। उसे आकांक्षा थी फूस के झोपड़े और मोटे झोटे खाने, सूखे खाने की। उसे प्राण घातक सिद्धियों से प्राण पोषक निषेध कहीं ज्यादा प्रिय थे, खुली हवा के मुकाबले बंद पिंजरा कहीं ज्यादा चाहेगा। एक दिन एक परदेसी गांव में आ निकला, बहुत ही कमजोर दीनहीन आदमी था, एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। एकाएक मुन्नी उधर से जा निकली, मुसाफिर को देखकर बोली, कहां जाओगे? मुसाफिर ने बेरुखी में जवाब दिया, जहन्नुम। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या दुनिया में जगह नहीं? औरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। दिल पर कोई चोट लगी है? मुन्नी ने जहरीली हंसी हंसकर कहा। मुसाफिरों ने कहा, बदनसीबों की तकदीर में और क्या है, रोना धोना और डूब मरना, यही उनकी जिंदगी का खुलासा है। पहली दो मंजिलें तो तय कर चुका, अब तीसरी मंजिल और बाकी है, कोई दिन वो भी पूरी हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द। ये एक चोट खाए हुए दिल के शब्द थे, जरूर उसके पहलू में दिल था, वरना यह दर्द कहां से आता? मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी, बोली, कहीं और वफा की तलाश क्यों नहीं करते? मुसाफिर ने निराशा के भाव से उत्तर दिया, मेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता। दौलत मेरे पास नहीं, रूपरंग मेरे पास नहीं, फिर वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? पहले समझता था वफा दिल के बदले मिलती है, अब मालूम हुआ और चीजों की तरह वो भी सोने चांदी से खरीदी जा सकती है। मुन्नी को मालूम हुआ मेरी नजरों ने धोखा खाया है, मुसाफिर बहुत काला नहीं सिर्फ सांवला है, उसका नाक नक्शा भी उसे आकर्षक जान पड़ा। बोली, नहीं ये बात नहीं, तुम्हारा पहला ख्याल ठीक था। ये कहकर मुन्नी चली गई, उसके हृदय के भाव उसके संयम से बाहर हो रहे थे, मुसाफिर किसी ख्याल में डूब गया। वो इस सुंदरी की बातों पर गौर कर रहा था, सचमुच यह वफा मिलेगी, क्या यहां तकदीर धोखा न देगी? मुन्नी ने मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी, वो दूसरे दिन भी न गया। तीसरे दिन उसने एक फूस का झोपड़ा खड़ा किया। मुन्नी ने पूछा, ये झोपड़ा किसके लिए बनाते हो? मुसाफिर ने कहा, जिससे वफा की उम्मीद है। चले तो न जाओगे? झोपड़ा तो रहेगा, खाली घर में भूत रहते हैं, अपने प्यारे का भूत ही प्यारा होता है। दूसरे दिन मुन्नी उस झोपड़े में रहने लगी, लोगों को देखकर ताज्जुब हुआ था, मुन्नी उस झोपड़े में नहीं रह सकती, वो उस भोले मुसाफिर को जरूर दगा देगी, ये आम ख्याल था। लेकिन मुन्नी फूली न समाती थी, वो न कभी इतनी सुंदर दिखाई पड़ी थी न इतनी खुश। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया था जिसके पहलू में दिल था, लेकिन मुसाफिर को दो दिन ये चिंता हुई कि कहीं यहां भी उसको अभागा दिल न देखना पड़े। रूप में वफा कहां? उसे याद आया, पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी, ऐसी ही कस्में खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर कच्चे धागों को टूटने कितनी देर लगी, वो धागे के फिर न टूट जाएंगे? उसके क्षणिक आनंद का समय बहुत जल्द बीत गया और फिर वही निराशा उसके दिल पर छा गई। इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे दिन वो सारे दिन उदास रहा, चिंतित बैठा रहा और चौथे दिन लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोपड़ी रह गई। मुन्नी दिन भर उसकी राह देखती रही, उसे उम्मीद थी कि वो जरूर आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए और मुसाफिर न लौटा। कोई
खत भी ना आया, लेकिन मुन्नी को उम्मीद थी कि वो जरूर आएगा। साल बीत गया, पेड़ों में नई नई कौफले निकली, फूल खिले, फल लगे, काली घटाएं आली, बिजली चमकी, यहाँ तक कि जाड़ा भी बीत गया और मुसाफिर न लौटा। मगर मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी, वो जरा भी चिंतित न थी, भयभीत न थी। वो दिन भर मजदूरी करती और शाम को झोपड़े में पड़ी रहती, लेकिन वो झोपड़ा अब एक सुरक्षित किला था जहां सिरफिरों की निगाह के पाव भी लंगड़े हो जाते थे। एक दिन वो सर पर एक लकड़ी का गट्ठा लिए चली आती थी। एक रसिया ने छेड़खानी की, मुन्नी क्यों अपने सुकुमार शरीर के साथ ये अन्याय करती हो? तुम्हारी एक कृपा दृष्टि पर इस लकड़ी के बराबर सोना न्योछावर कर सकता हूँ। मुन्नी ने बड़ी घृणा के साथ कहा, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो, ये अपनी मेहनत का भरोसा है। क्यों इतनी इतराती हो, अब वो लौट कर ना आएगा? मुन्नी ने अपने झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वो गया कहाँ जो लौट कर आएगा? मेरा होकर वो फिर कहाँ जा सकता है? वो तो मेरे दिल में बैठा हुआ है। इसी तरह एक और दिन एक और प्रेमीजन ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा महल हाजिर है, इस टूटे फूटे झोपड़े में क्यों पड़ी हो? मुन्नी ने अभिमान से कहा, इस झोपड़े पर 100,000 महल न्योछावर है। यहां मैंने वो चीज पाई है जो और कहीं न मिली थी और न मिल सकती है। ये झोपड़ा नहीं, मेरे प्यारे का दिल है। इस झोपड़े में मुन्नी ने 70 साल काटे। मरने के दिन तक उसे मुसाफिर के लौटने की उम्मीद थी। उसकी आखिरी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसके खरीदारों में कुछ मर गए, कुछ जिंदा है, मगर जिस दिन से वो एक ही हो गई, उसी दिन से उसके चेहरे पर एक दीप्ति दिखाई पड़ी, जिसकी तरफ ताकते ही वासना की आंखें अंधी हो जाती। खुदी जब जाग जाती है तो दिल की कमजोरियां उसके पास आते डरती है। सुंदर।